हाथ जोड़ के सरकार से मेरे बच्चे छीन बेटी है मेरी, इनके बारे में सरकार को बोल दो इन्हें किसी चीज की कमी ना हो, सरकार को बोल दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का राव और मैं हूँ आपके साथ आपने। मैं इस वक्त दिल्ली के राजधानी पार्क इलाके में हूँ। एनजीटी के द्वारा चाइनीज मांझे पर कई वर्षों पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी ये मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। आप भी एक बार जाकर जरूर देखिएगा कि आपके इलाके में ये बिक रहा है या फिर नहीं। इस चाइनीज मांझे का जो देखने को मिल रहा है जो दुरुपयोग, वो ये है कि इसकी वजह से कई मासूम अपनी जान गंवा बैठते हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये पीड़ित परिवार आपको मेरे साथ नजर आएगा, इनके साथ भी रक्षाबंधन के मौके पर एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक विपिन कुमार अपनी पत्नी को लेकर उनके मायके जा रहे थे राखी का त्योहार मनाने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो त्योहार उनके लिए आखिरी साबित होगा। पीड़ित परिवार से जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ पूरा मामला आप तक पहुँचाएंगे। आपके पति का नाम विपिन बाइक रुकी जब मैं उतरी पूरी नाल पूरी गर्दन उनकी कट चुकी थी। कौन सी ड्राइवर को जानकारी दो को पकड़ा, वही कमांडर था।
नहीं, ये तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया कि वो थे या कोई और थे। वो साथ थे, वो बोले थे कि चार्ज कितना हो गया मैक्सिमम। कौन सा ये साथ ही नहीं। और कौन है आप? आईओ वीरेंद्र कुमार। क्या आश्वासन दिया जी? वो बस हम बोल रहे थे तो अभी कोई साफ मिला नहीं है कौन है क्या है कैसे। वो जो उनके फादर साहब थे जो वो पतंग उड़ा रहे वो भी आए हुए थे पूरा हमारे घर से आए हुए थे। बस देखा भी नहीं है इस चीज़ को तो कैसे किस पे क्या से। लेकिन अभी दो को गिरफ्तार किया। दो को गिरफ्तार किया। पकड़ रखा है? छोड़ दिया? नहीं पकड़ रखा है। वो पूछताछ चल रही है? हाँ पूछताछ चल रही है। ये बैन कर रखा है, उसके बाद ये केस वगैरह तो हो गई है। देखिए थोड़ा सा दर्द हो जाओ तो उसने ना जिन्होंने ये किया है जितनी भी सजा मिले वो कम है क्योंकि आपके पति वापस नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी सरकार ने बैन कर दिया उसके बावजूद जो लोग उसे बेच रहे हैं जो खरीद रहे हैं उनके लिए आप क्या सजा चाहते हैं? बिल्कुल बंद कर दे जी, किसी के घर में जुड़ने की जमीरा में जुड़ गया इसे बिल्कुल बंद कर दे। अगर सरकार सुनती हो मैं आज जोड़ के प्रार्थना करती हूँ जैसा मेरा उधर का मेरे बच्चे चाचा ना तो भी किसी के ना हो मैं हाथ जोड़ के सरकार से भीख मांगती हूँ कभी किसी का घर ना उजड़े मेरी तरह। क्यों नहीं रोकते मंजे? क्यों नहीं बंद करती सरकार? राजधानी दिल्ली में एनजीटी के द्वारा प्रतिबंध लगने के बावजूद भी लगातार धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। अभी तक इसकी कोई रोकथाम नजर नहीं आ रही। न जाने क्यों लोग इस जानलेवा मांझे को खरीदते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका नतीजा कुछ यूं होता है कि जो बेगुनाह लोग हैं मासूम लोग हैं वो इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये परिवार जिसकी कोई गलती भी नहीं है रक्षाबंधन के मौके पर जहां दुनिया खुशी मना रही है वहां पर ये लोग यहां पर गमहीन नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार में गम की जो लहर है वो यहां पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि इनकी गलती क्या है? क्या अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जाना या अपनी पत्नी को उसके भाई के घर राखी बंधवाने ले जाना ये इनकी गलती थी? यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार जो सबकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आया वो इस परिवार के लिए गम की लहर लेकर आ गया है। इस परिवार की सीधी मांग है कि इस तरीके के जितने भी चाइनीज मांझे यहाँ पर बिक रहे हैं प्रतिबंध लगने के बावजूद भी उन पर रोकथाम हो, सरकार कोई सख्त एक्शन ले क्योंकि कब तक आखिर इस तरह से चाइनीज मांझा लोगों को मासूम लोगों को अपना शिकार बनाएगा और पूरे पूरे परिवार उजाड़ देगा। इस परिवार की बात करूं तो यहां पर एक पत्नी और तीन छोटी छोटी बेटियां हैं। अब मरने वाले का नाम आपको बता दूं कि विपिन कुमार बताया जा रहा है, महज 35 वर्ष उनकी उम्र है। अब आखिर उनके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? ये जो तीन छोटी छोटी बेटियां उनके पीछे यहां पर रह गई हैं अब इनका पालन पोषण कौन करेगा ये यहां पर एक मुख्य सवाल है। इस तरीके का पहले भी एक मामला दिल्ली से सामने आया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो खबर भी आप जरूर जाकर देखें। लगातार ऐसे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं जहां पर चाइनीज मांझे की वजह से बेकसूर लोग अपनी जान गंवाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सरकार इस परिवार की मदद करे जो मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि उनके पति चाहते थे कि उनकी बेटियां एक अच्छी नौकरी करें, आईएएस ऑफिसर बने। उम्मीद करेंगे कि उनकी बेटियां जल्द ही कामयाबी को चुने और देखते हैं कि सरकार के इस परिवार की कोई मदद करती है क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां पर मासूम लोग बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं अब आखिर उस परिवार का गुजारा कैसे होगा यहां पर एक अहम सवाल है। उम्मीद करते हैं कि सरकार की आंखें खुले, जो प्रतिबंध लगाए हैं वो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिले क्योंकि कागजों में प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। कागजों में कई चीजें लिख दी जाती हैं लेकिन उसका नतीजा जमीन पर दिखना चाहिए जो अभी तक राजधानी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा। 15 अगस्त का त्यौहार जल्द आने वाला है यानी कि इंडिपेंडेंस डे,
इस मौके पर लोग पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस मांझे से वो पतंग उड़ाते हैं वो किसी की जीवन लीला तक समाप्त कर देता है। इतने घातक मांझे से आखिर उन लोगों को पतंग क्यों उड़ानी है, कि यहाँ पर एक अहम सवाल है। देखिए, सरकार ने इस पर प्रतिबंध जरूर लगाया है, लेकिन क्या आम जनता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरीके की जानलेवा चीजों को वो ना खरीदे ना इस्तेमाल करे, बल्कि जहाँ पर इसकी बिक्री हो रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पुलिस को इसकी सूचना दे। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ जाए तो इस तरीके के हाथ से शायद होना बंद हो जाएंगे। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। क्यों नहीं रोकते मंजे, क्यों नहीं बंद करते सरकार, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।